Hello everyone, welcome to Chandigarh Academy. My name is Apni. I am your general science teacher. So today, let's start with your chapter 4, that is seed dispersal and germination. So bachche, seed kya hoti hai? Seed is known as the ripened oval of plant used for soil. कि हम लोग सीड है, सीड को ही जब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में उसको डालते हैं, सीड से ही क्या होता है, हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है. ठीक है, उसके बाद बच्चे सीड के टू टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. वन इज द सीड कोट एंड द सेकंड वन इज एम्ब्रॉय. सीड कोट बच्चे ये होती है हमारी आउटर कवरिंग होती है सीड की, जो कि हमारी टू वन या टू लेयर से बनी होती है. जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा, जो कि ये प्रोटेक्ट करती है हमें कि हमारी जो सीड है उसको कोई भी इंजरी ना हो जाए. इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द आउटर इंजरी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इनर लेयर. इनर लेयर को हम बोलते हैं टेग्ला. ठीक है, ये तो थी हमारे सीड कोट के टू पार्ट्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रॉय. ये होता है अ पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट. एम्ब्रॉय क्या होता है? सीड सीड के बाद जब सीड के डेवलपमेंट होती है तो हमारा एम्ब्रॉय ग्रो करता है. एम्ब्रॉय ग्रो करता है, एम्ब्रॉय क्या होता है कि हमारा एक छोटा सा न्यू प्लांट को क्या होता है, छोटे से रूट से निकलते उधर से हमारा न्यू प्लांट की ग्रो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है. ठीक है बच्चे, इसको क्या होते हैं कि द एम्ब्रोनल एक्सिस इज नोन एज द टिगिलियम ऑफ द सीड. टिगिलियम के जो बच्चे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइपोफाइल एंड द नेक्स्ट वन इज एपिकोटाइल. जो बच्चे बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो कोटिलीडन के नीचे का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. जो हमारा अबव पार्ट होता है कॉटिलिडन का अटैचमेंट को उसको बोलते हैं एपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एंड दिस इज नोन एज प्लूम. रेडिकल विल गिव राइज टू, इट विल गिव राइज टू रूट सिस्टम एंड दिस प्लूमले विल गिव राइज टू शूट सिस्टम. ठीक है बच्चे, उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे ये लेयर्स हैं इसके साथ क्या होता है कि जो हाइपोकोट इसमें एम्ब्रॉय में क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. जो हाइपोकोटाइल है दिस इज आल्सो नोन एज रेडिकल एंड एपिकोटाइल इज आल्सो नोन एज प्लूमले. रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट सिस्टम एंड प्लूमले विल गिव राइज टू द शूट सिस्टम. उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मीन्स दैट द मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर और द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चले जाना उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो इसके बच्चे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या होती है जो हमारी सीड डिस्पर्स कर जाती है, लाइक विंड, वाटर, एनिमल और सेल्फ डिस्पर्शन. तो सबसे पहले आता है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड और एयर. बच्चे जो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड होती है, जो सीड्स होती हैं दे आर लाइट इन वेट. लाइट इन वेट, एक तो ये लाइट होती है वेट में, और जो सीड होते हैं सीड्स के अराउंड क्या होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं. दे आर हैविंग टाइनी हेयर्स अराउंड द सीड. ठीक है, और हैविंग विंग और एयर लाइक स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि विंग और एयर लाइक स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है कि जो सीड है हमारी, ये सीड है, सीड के अराउंड क्या होंगे, छोटे छोटे टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है सीड विद द हेल्प ऑफ एयर क्या करती है, डिस्पर्स कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक एग्जाम्पल ऑफ मैपल एंड ओक. ठीक है, उसके बाद है डिस्पर्सल बाय वाटर. डिस्पर्सल बाय वाटर, इसमें जो सीड्स होती है दे आर ऑल्सो लाइट इन वेट, लाइट इन वेट एंड दीज सीड्स विल फ्लोट. ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर के ऊपर तैरती हैं. और जो इनकी आउटर जो होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस एंड स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर रहता है फाइब्रस और स्पंजी, जैसे कि एग्जाम्पल स्पंजी फ्रूट ऑफ लोटस, लोटस के एग्जाम्पल. उसके बाद है बच्चे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. डिस्पर्सल बाय एनिमल में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, हम कोई फ्रूट खाते हैं या कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं. फ्रूट खाने के बाद लाइक मैंगो, मैंगो खाने के बाद जो उसकी सीड होती है उसको इधर उधर गिरा देते.
ठीक है। और ऐसे कुछ और फ्रूट होता है या किसी भी जैसे होते हैं, उनके हम लोग सीड्स इधर उधर करते हैं, वो क्या करती है, थ्रू द हेल्प ऑफ एनिमल्स डिस्पर्स कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है स्क्विरल्स, स्क्विरल्स क्या खाती है, नट्स खाती है। नट्स क्या करती है, जब वो मतलब नट अपने माउथ में लेके इधर से उधर मूव करती है, मूव करने के टाइम कई बार क्या होता है कि वो जो उनके नट्स होते हैं वो कहीं ग्राउंड पे गिर जाते हैं, कहीं सॉयल में गिर जाते हैं। सॉयल में गिरने के बाद वहां पे क्या होता है कि हमारी न्यू डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से क्या है कि एनिमल्स भी है जो हमारी हेल्प करते हैं डिस्पर्सल इन द सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेल्फ डिस्पर्सल और ऑटोट्री। सेल्फ डिस्पर्सल होता है कि जो प्रोसेस होता है इसमें जो सीड्स होती हैं प्लांट की होती है वो कम्प्लीटली, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्पर्सल एंड सीड्स इन प्लांट इज कम्प्लीटेड बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि वो खुद से ही ग्रो करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि हमारी पीस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सीड डिस्पर्सल के। सबसे पहले कि प्रिवेंट दी ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। क्या होगा कि जब हमारे एक ही जगह पे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। जैसे कि ये सेम प्लांट है, इसके बाद ये भी एक प्लांट और ग्रो हो गया, इसके साथ और प्लांट ग्रो हो गया। ऐसे अगर एक ही काइंड के सेम प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो कर जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगी, हमारी ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या हेल्प करती है कि ताकि हमारी ओवरक्राउडिंग ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिवेंट्स द कॉम्पिटिशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड सनलाइट। क्या होता है कि अगर एक ही जगह पे हमारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, जैसे दिस वन और टू थ्री प्लांट्स और इकट्ठे साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो क्या होएगा कि अगर हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं, हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर क्या होएगा, कुछ ये प्लांट एब्जर्व करेगा, कुछ ये प्लांट एब्जर्व करेगा, इसके रूट्स एब्जर्व करेंगे, कुछ बाकी प्लांट्स जो होंगे उनके रूट्स एब्जर्व करेंगी। ऐसे में क्या होएगा कि उनमें कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो तो न्यू प्लांट होंगे, छोटी बेबी प्लांट्स होंगे, वो तो थोड़ा सा ही पानी अब्जर्व कर पाएंगे, बट जो हमारे बिग प्लांट्स होते हैं या ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं या मेच्योर प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होती हैं, वो क्या करेंगी, वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जर्व कर लेंगी। एब्जर्व करने से क्या आएगा, उनमें क्या शुरू हो जाएगा, कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। फिर कॉम्पिटिशन किस चीज का, वाटर का, जो वाटर का और जो उनको मिनरल्स मिल रहे हैं, और सनलाइट का जो हमें सन से मिल रही है, ठीक है। जो हमारे एक सिंगल प्लांट को मिलनी चाहिए वो हमारे बहुत सारे प्लांट्स के बीच में वहां पे डिफ्रेंशिएट हो रही है। उसके बाद है कि प्लांट्स टू ग्रो इन न्यू प्लेस। क्या होएगा, जब हमारी सीड डिस्पर्स कर जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब वो न्यू प्लेस पे जाएगा, न्यू प्लेस पे जाने के बाद मे बी वहां पे एटमोसफेयर कुछ और हो, मे बी वहां पे वेदर कुछ और हो, मे बी वहां पे जो सॉयल है वो ज्यादा फर्टिलाइट हो या ज्यादा मतलब कम हो, उसके जो सॉयल है उसके न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो या कम हो। ऐसा होता है कि जब प्लांट न्यू प्लेस पे ग्रो करता है वहां पे उसकी कंडीशंस भी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है कि व्हेन द सीड बिगिंस टू ग्रो, सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब हमारी सीड क्या करती है, एक प्लांट में ग्रो करनी स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो हमारे इसमें आता है कि मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो सीड है, सीड के उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सीड है, सीड में कुछ होल्स होंगे या कुछ होएगा, उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, वाटर को एब्जर्ब करेगा, वाटर एब्जर्ब करेगा। वाटर एब्जर्ब करने के बाद नेक्स्ट क्या होएगा कि जो हमारा एम्ब्रॉय के सेल्स हैं, दैट इज द सेल्स ऑफ एम्ब्रॉय, क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर देंगे, उनका साइज इंक्रीज कर जाएगा, वो ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे। जब सेल ऑफ एम्ब्रॉय हमारे ग्रो कर जाएंगे उसमें क्या होएगा, हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे, रेडिकल एंड प्यूमले। अब एक हमें क्या देगा, रेडिकल से हमारी क्या होएगी, डाउनवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमें रूट सिस्टम मिल जाएगा जहां से। प्लूमले से हमारी क्या है कि अपवर्ड, जो कि हमें देगा हमारा शूट सिस्टम, जो कि हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी स्टेम एंड लीव्स की। यहां से हमारी स्टेम एंड लीव्स ग्रो करनी स्टार्ट कर देंगी। बच्चे जब हमारी सीडलिंग ऑफ प्लांट, जब हमारी सीडलिंग ऑफ सीड जब स्टेम एंड लीव्स ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी, वहां पे हमारा जो है कि प्लांट है अपना फूड बनाना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस रहता है मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब सीडलिंग ग्रो करेंगी ग्रीन लीव, सीडलिंग की जब ग्रीन लीव्स ग्रो कर जाएंगी सीडलिंग,
ग्रो ग्रीन लीव्स, जब सीडलिंग ग्रीन लीव्स ग्रो करेंगी, ग्रीन लीव ग्रो करने पे क्या है कि जो वो हमारा प्लांट होएगा वो अपना खुद से फूड बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है हमारा, ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म क्या से हमारी सीड जो है सीड की जर्मिनेशन। उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। बच्चे इसमें टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो उसको जो बाहर से मिल रहे हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है। बच्चे अगर हमारे प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, हमारी इफेक्ट करेगा, सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करेगा। अगर हमें उसे वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट प्लांट हमारा ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, या उसकी लीव्स वगैरह है ये स्टेम या रूट सिस्टम क्या है वो ड्राई होने लग जाएगा। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही या उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही, इन सब चीजों से क्या होएगा कि ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमारे क्या है सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। बच्चे इसके बाद साथ साथ हमारे आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर है कि जैसे मेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रॉय, मेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रॉय होता है कि या तो कि हमारा जो एम्ब्रॉय है प्रॉपरली डेवलप नहीं करा, जब उसको हम लोग प्लांट को अपने सीड को पानी देते हैं, पानी देने पे क्या होता है जब उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं कि जो उसकी एम्ब्रॉय है वह एम्ब्रॉय ग्रो नहीं कर रहा, वो होती है कि हमारी की जो मेच्योरिटी नहीं होती, ये भी हमारे इफेक्ट करती है। उसके बाद है हमारी डो, कि या हमारी जो डोरमेंसी होती है कि कुछ टाइम के लिए क्या है वो सीड ग्रो ही नहीं कर रही या बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इफेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन को। ये था हमारा चैप्टर 4, दैट इज सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन। थैंक यू।